स्टूडेंट्स, एज वी आर स्टार्टिंग जीके बुक ऑफ आवर क्लास, सो आवर चैप्टर फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट वन, आवर कंट्री. एंड इन दिस यूनिट आवर फर्स्ट चैप्टर इज इट्स एक्टिविटी टाइम. इन दिस चैप्टर, जैसे कि आपको नेम से ही पता चल रहा है, इट्स एक्टिविटी टाइम. तो एक्टिविटी टाइम में आपसे ही कोई एक्टिविटी करवाई जाएगी. इसके अंदर आपको यहाँ एक पिक शो हो रही है. यहाँ ये आपको वेल नोन पिक है. ये हमारी पिक है राष्ट्रीय भवन की. राष्ट्रीय भवन इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ इंडियाज ऑनरेबल प्रेसिडेंट. जो हमारे इंडिया के ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, उनका रेजिडेंस कौन सा होता है? राष्ट्रपति भवन. इट वॉज डिजाइंड बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस. ये एक ब्रिटिश के आर्किटेक्ट थे, एडविन लुटियंस. उन्होंने इनको डिजाइन किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट. सपोज यू आर एन आर्किटेक्ट. मान लो कि आप एक कोई आर्किटेक्ट है एंड यू आर गिवन अ टास्क टू डिजाइन अ हाउस फॉर योर प्रेजिडेंट. आपको कोई एक टास्क दिया गया है कि आप अपने प्रेजिडेंट का एक हाउस डिजाइन करना है. हाउ विल यू डू इट? आप इसको कैसे डिजाइन करेंगे? मेक एन आउटसाइड व्यू ऑफ द हाउस दैट यू विल मेक. तो आपको उसका एक आउटसाइड व्यू बनाना है जस्ट. ओके, हेयर इज द स्पेस फॉर मेकिंग योर राष्ट्रपति भवन लाइक होम रेजिडेंस फॉर राष्ट्रपति. ओके, आपको ये एक्टिविटी अपने आप करनी है. विद द एक्टिविटी ऑफ चैप्टर वन वी विल टुडे कम्प्लीट ऑल्सो चैप्टर टू, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया. कि इंडिया की फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन सी है. डाउन साइड आपका एक हेल्प बॉक्स गिवन दे रखा है. हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको ये क्वेश्चन आंसर फिल करने हैं. He was an Indian philosopher who consolidated the doctrine of Advaita Vedanta. ये आपके एक इंडियन फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने कंसोलिडेट करना होता है, इकट्ठा करना उसको, कि उन्होंने आदिवेदा वेदांता को एक साथ किया है, संयुक्त किया है. He founded four मठ टू गाइड द हिंदू रिलीजन. उन्होंने चार मठ बनाए हैं हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, हिंदू रिलीजन को गाइड करने के लिए. यहाँ है आपका अद्वैता वेदांता है. ये आपका एक रिलीजियस स्कूल टाइप बोल सकते हैं आप, ठीक है, रिलीजियस स्कूल है जिसके अंदर लोगों को शिक्षा दी जाती है रिलीजन के बारे में. तो ये कौन थे? शंकराचार्य. सेकंड वन, ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न. ये नौ रत्नों में से एक थे. हमने सुना है कि अकबर की जो शाला होती थी उसके अंदर नौ रत्न थे. ये उन नौ रत्नों में से एक है. एंड रेवेन्यू मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर. और साथ के साथ में अकबर की कोर्ट में ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे जो टैक्स को कलेक्ट करते थे लोगों से. फेमस फॉर रिफॉर्म्स इन लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसीलिए मतलब उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है. व्हाट्स इट्स नेम? टोडरमल. थर्ड वन, ही वॉज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1951. लीडर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी विच ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे 1947 से लेके 1951 तक लॉ मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के. एंड साथ ही साथ इन्होंने ये लीडर ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो हमारे ऐसी कास्ट होती है, उनके लीडर भी रहे हैं. और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है उसकी जो ड्राफ्टिंग की है कि उसका वे कैसा होना चाहिए, कि उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वो इन्होंने ही रेडी किया था. ये इनका नेम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. सो इनका नेम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. नेक्स्ट वन, ही वॉज अ मुस्लिम किंग हु रिजाइंड ओवर इंडिया ड्यूरिंग 1940 टू 1945. ये हमारे एक मुस्लिम किंग हुए हैं, मुस्लिम राजा हुए हैं जिन्होंने राज्य किया है 1450 से लेके 1545 तक. ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग. ये वो फर्स्ट मुस्लिम किंग हुए हैं हु पेड स्पेशल अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स. जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म चेंजेस की साइड ध्यान दिया था. ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट इन हिज टाइम. ग्रैंड ट्रंक जो रोड है हमारा, जीटी रोड है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रोड है, ये इनके द्वारा ही बनाया गया था. इनका नेम शेरशाह सूरी. ये शेरशाह सूरी जो है ग्रैंड ट्रंक रोड जिन्होंने बनाया उसके नेम से बहुत ज़्यादा फेमस है. ये आपको ऑलरेडी पता ही होगा. ही वॉज अ ग्रेट हिंदू संत एंड रिलीजियस लीडर हु फाउंडेड द रामाकृष्ण मिशन. ये हमारे एक हिंदू संत हुए हैं और साथ में रिलीजियस लीडर हुए, धार्मिक नेता हुए हैं, जिन्होंने रामाकृष्ण मिशन को, मिशन की स्टार्टिंग की थी. रामाकृष्ण मिशन कब स्थापना की गई थी? May 1, 1890 में. ही वॉज बोर्न इन कैलकटा ऑन January 12, 1863. इनका जन्म जो कलकत्ता के अंदर हुआ था 12 January 1863 को. एंड हीज ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त.
और इन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त के नेम से भी इनको जाना जाता है, मतलब इनका ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्ता को नहीं, स्वामी विवेकानंद। जो रामकृष्ण मिशन थे, रामकृष्ण मिशन मिशन जो था इन्होंने स्टार्टिंग की थी, ये उसकी जो रामकृष्ण हुए हैं उसके उसके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने अपने शिष्य को अपने गुरु को भेंट देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्टार्टिंग की थी। इसमें वो लोगों की रामकृष्ण मिशन ऐसा बनाया गया था जिसमें जो नीडी पीपल्स होते थे उनकी ये उसके अंदर हेल्प करते थे। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इन्होंने अपने जो कैपिटल थी उसको लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट किया। ही इंट्रोड्यूस इकदारी सिस्टम, इन्होंने इकदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। डिवीज़न ऑफ एम्पायर इंटू इकताज, इन्होंने जो इनका एम्पायर वगैरह था उसको इकताज के अंदर बांट दिया। जैसे हमारा कोई भी हमारा इंडिया है, इंडिया स्टेट्स के अंदर डिवाइड है, हम स्टेट्स को उसके अंदर डिवाइड करते हैं। तो इसने ऐसे ही अपना जो कंप्लीट एम्पायर था उसके अलग अलग इकते बना दिए थे, अलग अलग उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। विच वॉज असाइंड टू द नोबल्स एंड ऑफिसर्स इन द लियो ऑफ सैलरी, जिसमें उन्होंने अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट कर दिया था। ये कौन थे? इल्तुतमिश। ही वॉज द एडोप्टेड सन ऑफ राजा भगवान दास, ये राजा भगवान दास के सन हुए हैं, राजा भगवान दास के बेटे हुए हैं। ही फाउट अगेंस्ट राणा प्रताप इन 1576। ये जो राणा प्रताप थे उनके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई की थी 1576 में, एंड वोन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और जिन्होंने हल्दी घाटी की बैटल को जीता था। कौन हुए हैं ये? राजा मान सिंह। हल्दी घाटी की जो बैटल हुई थी वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी? 18 जनवरी 1576 को हुई थी, जिसके अंदर जो राजा मानसिंह थे उनकी विजय, उन्होंने विजय प्राप्त की थी। ही वॉज अ पोएट सेंट फ्रॉम द वारकरी सिस्टम ऑफ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म फ्रॉम महाराष्ट्र। ये आपके एक पोएट हुए हैं, संत हुए हैं, जिन्होंने वारकरी सिस्टम को स्टार्ट किया था महाराष्ट्र से। His teaching emphasized the importance of living the life of householder and that through marriage. इन्होंने अपने टीचिंग के अंदर क्या दिया था कि आप मतलब हाउस होल्ड की लाइफ आप व्यतीत करो, मतलब कि घरेलू आप जिंदगी जीना स्टार्ट करो, वो भी through marriage, शादी के बाद। And having family, जिसकी फैमिली होनी चाहिए। One could attain moksha, मतलब as a like moksha attend करो, बाकी के जो हमारे life के लाइजर वगैरह होते हैं उन्होंने इनसे दूर रहने के लिए कहा था सबको कि अपनी एक सिंपल सी सादी जिंदगी आप व्यतीत करो। कौन हुए हैं ये? आपके नामदेव। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ सांझा, ये सांझा के थर्ड सन थे। ही एज्यूम द टाइटल आलमगीर, जिनको आलमगीर का टाइटल मिला हुआ था। कॉन्गेस ऑफ द वर्ल्ड, की वर्ल्ड का विजेता। ही इज नोन फॉर हिज जोनियस डेक्कन पॉलिसी, इनकी ये अपनी जो डेक्कन पॉलिसी थी, डेक्कन को खत्म करने की जो पॉलिसी इनकी जोनियस पॉलिसी थी, उनके द्वारा ये जाने जाते हैं। कौन हुए ये? औरंगजेब। ही वॉज द मोस्ट फेमस राजा ऑफ विजयनगर किंगडम, ये विजयनगर किंगडम के बहुत फेमस राजा हुए हैं। द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के लास्ट रूलर हुए हैं ये। कौन है ये? कृष्णादेव राया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ हिस टाइम, ये अपने टाइम के बिल्कुल इंडिया के ग्रेटेस्ट रूलर हुए हैं। एंड फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर इन पंजाब, सिख एम्पायर पंजाब के अंदर जो सिख साम्राज्य की स्थापना की थी वो भी इन्होंने ही की थी। नेम इनका रंजीत सिंह। यहाँ पे एक फैक्ट आपका गिवन है, अ ग्रेट वर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओबीडियंस एंड द लिबर्टी। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी ग्रेट वर्क, हम कोई अच्छा वर्क करते हैं उसके अंदर हमेशा हमें ओबीडियंट होना चाहिए, उसके अंदर हमेशा हमें लिबर्टी, हमारे पास लिबर्टी होनी चाहिए। ओके, ये आपका नीचे हेल्प बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है प्रॉपरली। फॉर टू डेज इट्स ओनली। थैंक यू वेरी मच।